दोस्तों वैसे तो करोड़ों हिंदुओं के श्रद्धा स्थान भगवान भोलेनाथ के कई सारे देवस्थान पूरे देश में अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। लेकिन जब बात बाबा बर्फानी यानी बाबा अमरनाथ की आती है तो भोले के भक्तों की बात ही निराली हो जाती है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित बाबा बर्फानी की गुफा बहुत ही ज्यादा रहस्यों से भरी हुई है। इस गुफा को लेकर कई तरह की अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। सबसे बड़ा रहस्य इस गुफा की खोज को लेकर बना हुआ है, जिसके चलते ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम ने की थी। लेकिन क्या सच में इस गुफा की खोज किसी मुस्लिम ने की थी या फिर ये केवल एक झूठ लोगों के बीच में फैलाया गया? तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे अमरनाथ गुफा की खोज हुई थी और इसके पीछे कौन कौन से रहस्य जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में हम आपको सबूतों के साथ बताएंगे कि अमरनाथ गुफा का जिक्र कब कब और किन किन जगहों पर किया गया, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर क्यों हमें ऐसा बताया गया कि इस गुफा की खोज एक मुस्लिम ने की। दोस्तों सबसे पहले आपको वो कहानी बताते हैं जो पूरी तरह से मनगढ़ंत है और आमतौर पर इस गुफा की खोज के बारे में लोगों को बताई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि साल 1885 में एक मुस्लिम गरड़िया बूटा मलिक ने इस गुफा की खोज की थी। उस कहानी के मुताबिक बूटा मलिक अपनी बकरियां चराते हुए इस गुफा के आसपास घूम रहा था। इसी दौरान उसे एक साधु मिला। बूटा मलिक और साधु के बीच काफी सारी बातचीत हुई। इसके थोड़ी देर बाद वहां पर अचानक काफी ठंड बढ़ गई, जिसके बाद वो साधु बूटा मलिक को उस गुफा के अंदर ले गया। गुफा के अंदर ले जाने के बाद साधु ने बूटा मलिक को कोई चीज दे दी और बूटा मलिक को नींद लग गई। नींद खुलने के बाद जब बूटा मलिक ने देखा तो वो चीज सोने की बन गई थी, लेकिन वहां पर वो साधु कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद जब बूटा मलिक गुफा से बाहर निकला तो वहां पर उसे कई सारे साधु दिखाई दिए। उन सभी ने अंदर जाकर देखा तो वहां पर बर्फ से बना हुआ एक शिवलिंग दिखाई दे रहा था। इस तरह से बूटा मलिक के जरिए अमरनाथ गुफा की खोज हुई, ऐसा आमतौर पर लोगों को बताया जाता है। लेकिन दोस्तों अब जो सबूत हम आपके सामने रखने वाले हैं, इन्हें देखकर और सुनकर इस मनगढ़ंत कहानी पर पूरी तरह से पानी फिर जाएगा। अमरनाथ गुफा के बारे में सबसे पुराना सबूत कहीं पर मिलता है तो वो है श्रीलिंग पुराण में। जी हाँ दोस्तों, श्रीलिंग पुराण आज से 14 लाख साल पहले लिखे गए थे। श्रीलिंग पुराण के पेज नंबर 487 और 12वें अध्याय में 51वें नंबर का एक श्लोक लिखा गया है। उस श्लोक में साफ तौर पर अमरेश्वर नाम का जिक्र किया गया है। वो बात आज से 14 लाख साल पहले लिखे गए श्रीलिंग पुराण में बताई जा रही है। यानी बूटा मलिक के बारे में जो कहा जाता है कि उसने साल 1850 में अमरनाथ गुफा की खोज की, तो फिर श्रीलिंग पुराण में अमरनाथ गुफा का जिक्र कैसे है? इतना ही नहीं दोस्तों, अभी तो और भी कई सारे सबूतों की बाढ़ आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अमरनाथ गुफा का जिक्र एक और जगह पर मिलता है। कश्मीर के प्राचीन इतिहासकार कल्हण के द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखी गई रचना रजत रंगिनी में अमरनाथ गुफा का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। रजत रंगिनी के पेज नंबर 280 पर लिखे गए श्लोक नंबर 267 में साफ तौर पर अमरनाथ गुफा का जिक्र किया गया है। इसके हिंदी भावार्थ को समझा जाए तो इसमें लिखा गया है कि दूर पर्वत पे दुग्ध सागर तुल्य एक सर का निर्माण किया गया है। दोस्तों ये रजत रंजनी 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। अब आप सोचिए कि क्या सच में बूटा मलिक ने साल 1850 में अमरनाथ की खोज की? अब आइए दोस्तों आपको एक और बड़ा सबूत बताते हैं, जिससे पता चलता है कि अमरनाथ गुफा की खोज साल 1850 से हजारों साल पहले की जा चुकी है। 16वीं शताब्दी में भारत पर मुगलों का शासन था और उस समय मुगलों के शासक अकबर का राज था। अकबर के नवरत्नों में एक अबुल फजल आलमी ने एक किताब लिखे थे जिसका नाम था आईने अकबरे। उस किताब के दूसरे खंड के पेज नंबर 360 पर साफ शब्दों में अमरनाथ गुफा का जिक्र किया गया है। अबुल फजल आलमी ने आईने अकबरी में लिखा कि वो एक पवित्र स्थान है। श्रावण महीने की पूर्णिमा के बाद वहां पर बर्फ की बूंदों से एक आकृति बनती है। उस आकृति को लोग महादेव का शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करते हैं। इसके बाद अमावस्या के बाद धीरे धीरे वो आकृति पिघलने लगती है। अब आप सोचिए दोस्तों, ये बात 16वीं शताब्दी में आईने अकबरी में लिखी गई है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि अमरनाथ गुफा का जिक्र 17वीं शताब्दी में लिखी गई एक और किताब में भी मिलता है। फ्रांस के मशहूर फिजिशियन डॉक्टर फ्रांसवा बर्नियर ने किताब लिखे थे जिसमें अमरनाथ गुफा का जिक्र मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस के ये फिजिशियन उस समय भारत में मुगल शासक औरंगजेब के डॉक्टर थे। जानकारी के मुताबिक फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत में 12 साल तक रुके थे और उन्होंने औरंगजेब के साथ देश के कई हिस्सों की यात्रा की थी। उसी यात्रा में उन्होंने अपनी कश्मीर की यात्रा का भी जिक्र किया है। कश्मीर की यात्रा का जिक्र करते हुए डॉक्टर फ्रांसवा बर्नियर अपनी किताब ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में साफ तौर पर अमरनाथ गुफा का जिक्र करते हैं। अब आइए दोस्तों आपको एक और बड़ा सबूत बताते हैं, जिससे ये बात साफ हो जाएगी कि अमरनाथ गुफा की खोज बूटा मलिक से भी पहले की जा चुकी है। थॉमस विग्ने नाम के एक ब्रिटेन से आए हुए मशहूर खोजी यात्री थे। उन्होंने साल 1835 से लेकर सन 1838 तक भारत की यात्रा की थी। उस यात्रा के दौरान थॉमस कश्मीर भी गए थे। इस पूरी यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने साल 1842 में एक किताब लिखे। उस किताब के दो खंड हैं, जिसके पहले खंड के पेज नंबर 148 पे साफ तौर पे कश्मीर के पहलगाम और अमरनाथ गुफा का जिक्र किया गया है।
उसी किताब के दूसरे खंड के पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 पर भी अमरनाथ गुफा का जिक्र करते हुए पहलगाम के रास्ते से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के रास्ते के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये बात थॉमस ने साल 1842 में लिखी, यानी बूटा मलिक के खोज से 8 साल पहले। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि इन सारे सबूतों को जानने के बाद आपकी आंखें जरूर खुली होंगी। हालांकि सवाल ये उठता है कि अमरनाथ की गुफा का जिक्र इन सारे धार्मिक ग्रंथों और किताबों में किया जा चुका है, तो फिर हमें ऐसा क्यों बताया गया कि अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम के द्वारा की गई? इसके पीछे राजनीति का बहुत बड़ा हाथ है। दरअसल ऐसा मुस्लिम तुष्टिकरण के चलते किया गया। कुछ राजनेताओं के द्वारा किया जाने वाला मुस्लिम तुष्टिकरण राजनीति पर इतना ज्यादा हावी हो गया था कि इसी कहानी को इतिहासकारों ने बार बार लोगों के सामने रखा और लोगों ने भी बूटा मलिक की कहानी को ही सच मान लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बूटा मलिक की कहानी को इस कदर सच मान लिया गया था कि बूटा मलिक के परिवार के लोगों को अमरनाथ गुफा में लोगों के द्वारा चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे में से भी एक तिहाई हिस्सा भी दिया जाता था। हर साल जब जब अमरनाथ की यात्रा आयोजित होते थे तब तब बूटा मलिक के परिवार वालों को अमरनाथ में इकट्ठा होने वाले चढ़ावे के पैसे में से इतना बड़ा हिस्सा दे दिया जाता था। लेकिन साल 2000 में देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय अमरनाथ के लिए अमरनाथ शाही बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड का गठन किए जाने के बाद तुरंत बूटा मलिक के परिवार को दिया जाने वाला चढ़ावे का हिस्सा बंद कर दिया गया, जिसके बाद है तौबा भी मचाई गई, लेकिन कोई भी सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों अमरनाथ की गुफा बहुत ही प्राचीन गुफा है। इस गुफा में अवतरित होने वाले बाबा बर्फानी हर साल श्रावण महीने में करोड़ों श्रद्धालुओं को अपना दर्शन देते हैं। इस गुफा के बारे में प्राचीन कथा के मुताबिक भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को इस गुफा के अंदर अमरत्व की कथा सुनाई थी। माता पार्वती ने कई वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की और उनसे अमरत्व की कथा सुनने की जिद करने लगे, लेकिन भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि अमरत्व की कथा ऐसे कहीं पे भी नहीं सुनाई जा सकती, इसलिए हमें एकांत में चलना चाहिए। जिसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती को इस गुफा में लेकर आए थे और यहीं पर उन्होंने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी। इसी के चलते यहाँ पर अवतरित होने वाले इस शिवलिंग को अमरनाथ कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि अमरनाथ गुफा कितनी प्राचीन है और कितनी पवित्र है। अगर आपके सामने कोई इस गुफा को लेकर बूटा मलिक वाली कहानी सुनाए तो उसको आप ये वीडियो जरूर दिखाइएगा, ताकि सच्चाई पर से पर्दा उठ सके और लोगों के आंखों पर बांधी गई काली पट्टी भी हट सके। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अगर आप भी अमरनाथ की यात्रा कर चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही लोगों को सच्चाई से अवगत करवाने के लिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें।